रायबरेली की धरती हमेशा से वीरों की धरती कही जाती रही है। इस धरती ने अपने जहन से कोई न कोई सूरमा जरूर पैदा किया है, जिसने भारत के नक्शे पर रायबरेली का नाम रोशन किया है। इस समय अगर बात की जाए तो क्रिकेट की दुनिया में आरपी सिंह ने यूपी रायबरेली का गौरव बढ़ाया, तो वहीं एथलीट में सुधा सिंह ने जिले का नाम रोशन किया। आज पूरा जिला सुधा सिंह को मिलने वाले पद्मश्री सम्मान पर अभिभूत है। सुधा सिंह का परिवार एक साधारण परिवार है। इनका परिवार मूलतः ग्राम पोस्ट भीमी का अमेठी का रहने वाला है। इनके पिता की नौकरी 20 वर्ष रायबरेली जिले के आईटीआई में लग गई, जिसके बाद इनके पिता पूरे परिवार के साथ रायबरेली के शिवाजी नगर कॉलोनी में रहने लगे। सुधा अपने पिता हरि नारायण सिंह, माता शिवकुमारी सिंह व अपने दो भाइयों धीरेन्द्र सिंह व प्रवेश नारायण सिंह के साथ रहती हैं। सुधा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पूरी की। सुधा का मन बचपन से ही खेल कूद में लगता था, जिसके चलते स्कूल में होने वाली खेल प्रतियोगिता में हमेशा हिस्सा लेकर प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करती थी। जब सुधा एक अच्छी एथलेटिक्स के रूप में आई तो इनका दाखिला परिवार के लोगों ने लखनऊ खेल स्तर में करा दिया, जहां पर सुधा के कोच ने एक अच्छे कोच की तरह कोचिंग दी और कोचिंग के दौरान सुधा ने प्रदेश स्तरीय होने वाली एथलीट स्टीपल चेज में हिस्सा लिया और अपनी महत्व और सफलता को प्राप्त करती गई। जिस दौरान सुधा सिंह ने हाई स्कूल की परीक्षा 2005 में व इंटर की परीक्षा 2007 में अच्छे अंकों से पास की। एक और पढ़ाई में अच्छे नंबर तो दूसरी तरफ अपने खेल में ऊंचाई चुनती सुधा सिंह को आखिरकार बॉम्बे बीटी स्टेशन पर रेलवे विभाग में टीआई की नौकरी 2008 में मिल गई। आज सुधा सिंह को पद्मश्री पुरस्कार के नाम आने पर सुधा सिंह के घर पर मिठाइयां बांटी गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियों का इजहार किया गया। आइए आपको सुनवाते हैं सुधा सिंह के परिजनों का क्या कहना है। बता दीजिए, मैं हनुरायन सिंह, ओ पीडब्ल्यूडी कॉलोनी शिवाजी नगर। उस बिटिया ने जो इस तरीके से जो देश प्रदेश और जिले में अपना मेहनत करके जो है कि नाम किया है, उसके लिए जो है पूरा रायबरेली प्रदेश और सब गौरवान्वित रहे। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जिस हिसाब से बेटी दिवस के अवसर पर इस तरह का पुरस्कार इस तरीके से करने के बाद जो जिले की जो है कि इनसे देख करके नकल करके प्रतिभाएं बहुत सी और सी निकले, यही विधि रायबरेली के लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता है, प्रदेश के लिए है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अर्चना सिंह है। ये आज सूरज जी को जो है इस तरह के पुरस्कार से नवाजने की बात सामने आ रही है, कैसा लग रहा है आप लोगों को, किस तरह से जश्न मना रहे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को और हम लोग कल से ही जश्न मना रहे हैं, बहुत लोग आ भी रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि रायबरेली से सारी लड़कियां जो भी इस क्षेत्र में हैं वो इसी तरह आगे बढ़ती रहें और दीदी की से प्रेरणा लेती रहें। जब आपने सुना कि उनको इस तरह के पुरस्कार से नवाजा जाएगा तो उस टाइम कैसा लगा आप लोगों को? हम तो बता भी नहीं सकते कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं उनकी छोटी भाभी हूँ तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोग तो परिवार के हैं और मोहल्ले जिले उत्तर प्रदेश मतलब सभी लोगों का मैसेज आ रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हम लोगों को उन सबका मैसेज सुन के।